ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ज्येष्ठ जो पूर्णिमा है वो हमारे खूबियों को निखारती है। हालांकि कोई भी पूर्णिमा पे ये इम्प्लीमेंट होता है पर ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत महत्व रखता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 9 जून को पड़ेगा तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से ही किसान अपने खेतों में हल जोतना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन जब राजा जनक हल चरा रहे थे तो उन्हें भूमि के भीतर से सीता जी की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो हर पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ खास तरह का सौंदर्य होता है। आप किसी भी चीज़ पर नज़र डालें और अगर वो खूबसूरत हुई तो आप पाएंगे कि आपके भीतर उसके प्रति आकर्षण अचानक बढ़ जाता है। इसी तरह आप अगर किसी ऐसी चीज़ पर नज़र डालते हैं जो आपकी निगाहों में बद्दी या बदसूरत होती है तो उसके प्रति आपकी जो आकर्षण है कम हो जाता है, ग्राहकता कम हो जाती है। पूर्णिमा के सौंदर्य में भी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो चीज़ों के प्रति हमारी ग्राहकता में निश्चित तौर पर सुधार लाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धरती चंद्रमा के साथ कुछ खास तरह की स्थिति में घूमती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति, अनुभव और उसके स्पंदन और दिनों की तुलना में अलग तरह का होता है। यहां तक कि इस दिन चंद्रमा का चुंबकीय आकर्षण भी अलग तरह का होता है। चंद्रमा का चुंबकीय आकर्षण धरती की उस सतह पर काम करता है जो हिस्सा चंद्रमा के सीधे सीधे संपर्क में होता है। हमारे शरीर का मेरुदंड खड़ा या लंबवत होता है तो ऐसे में जब भी इस तरह का कोई नैसर्गिक आकर्षण या खिंचाव होता है तो मेरुदंड में नैसर्गिक रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो इस दौरान आपके भीतर जो रक्त और प्राण रूपी मूलभूत ऊर्जाएं हैं वे अलग दिशा में प्रवाहित होने लगती है क्योंकि कंपन में बदलाव आता है। इसलिए पूर्णिमा की रात को बाकी रातों के मुकाबले समुद्र में तेजी से लहरें उठती हैं क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पानी को अपनी ओर यानी ऊपर की ओर खींचता है। इसी तरह से आपके शरीर के रक्त को भी यह गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर खींचता है। नतीजा यह होता है कि उस दौरान रक्त का प्रवाह दिमाग की ओर बढ़ जाता है। जब भी यह ऊर्ध्वगामी गति होती है तो आपके भीतर की जो खूबी या विशिष्टता होती है वो बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि जिन इंसानों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता वे पूर्णिमा के आसपास और भी असंतुलित हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस दौरान होने वाली ऊर्जा का उभार आपके खूबियों और लक्षणों को बढ़ाता है। अगर आप थोड़े बहुत असंतुलित होते हैं तो इस दौरान आप ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं। यह बात आपके अन्य लक्षणों पर भी लागू होती है लेकिन ज़्यादातर लोग इतने संवेदनशील नहीं होते कि वे इसे महसूस कर सकें। अगर इस समय आप ध्यान लगाएं तो आपको ध्यान में और अधिक सफलता मिलेगी। सबसे बेस्ट टाइम है पूर्णिमा के दिन में, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन में, या जो इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। इसी तरह से अगर आप प्रेम में हैं और आपका प्रेम और भी सुनिश्चित बन जाता है, अगर आप डरपोक या भीरू हैं तो आपके भीतर डर और गहरा समा जाता है। आपका कोई भी लक्षण हो उसे इस दौरान बढ़ावा मिलता है। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो ध्यान में लगे हुए हैं, उनके लिए तो पूर्णिमा का विशेष महत्व है। खास करके साधकों के लिए, उनके लिए तो यह रात ज़्यादा सहायक होती है क्योंकि ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी हुए बिना और ऊर्जा के उभार का एहसास हुए बिना आपके जागरूक और चैतन्य होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिसे आप जागरूकता कहते हैं वह आप तक नैसर्गिक रूप से तभी आएगी जब आप अपने भीतर ऊर्जा का उभार महसूस करेंगे। हमें उस रात का, उस नैसर्गिक घटना का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे 9 तारीख को आ रही है, 9 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा, यह रात आपके लिए कुछ ऐसी होती है कि आप ऊर्जा और जागृति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।